हे गाइस, दिस इज़ मोहित चौबे एंड यू आर वॉचिंग नॉलेज ब्रुक। हम इंडियन इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक्स में आज हम बात करेंगे थर्ड फाइव ईयर प्लान की। थर्ड फाइव ईयर प्लान ये भी हमारा एक नॉलेज कैप्सूल है जो कि लगभग 4 से 5 मिनट का होगा, और इसमें हम जानेंगे कि थर्ड फाइव ईयर प्लान में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और किस प्रकार यह मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि पूरे भारत के जो भी आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य है उसको प्रभावित करते हैं। चलिए थर्ड फाइव ईयर प्लान पे थोड़ी सी चर्चा की जाए। तो हमने देखा था कि फर्स्ट और सेकंड फाइव ईयर प्लान तक हम आ गए थे 1951 to 56 एंड 1956 to 61। अब ये थर्ड फाइव ईयर प्लान होने वाला है क्योंकि अब 5 वर्ष का है, तो 1961 से 66 तक। कुछ मुख्य बिंदु देखें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ, मतलब आत्मनिर्भर विकास। इसके पहले जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका जो उद्देश्य था वह था एग्रीकल्चर, दूसरे का इंडस्ट्रियलाइजेशन, और यहाँ हम आत्मनिर्भर विकास के ऊपर चर्चा करेंगे। ऐसे कुछ इमीडिएट ऑब्जेक्टिव थे उस क्षण के, उस समय के जो तुरंत के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव रहे हैं उन पर हम बात करें। सबसे पहले इंक्रीज नेशनल इनकम अप टू 5%, मतलब 5% पर प्रतिवर्ष के हिसाब से जो राष्ट्रीय आय है उसको बढ़ाने की इस वक्त बात की गई। कहा गया कि प्रतिवर्ष कम से कम 5% या 5% जो राष्ट्रीय आय है उसको बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया। इसके अतिरिक्त अचीव सेल्फ सफिशियंसीज इन फूड ग्रेन्स, वीट प्रोडक्शन, मुख्य रूप से उस समय वीट प्रोडक्शन पर ध्यान दिया गया और सेल्फ सफिशियंसी लाने का प्रयास किया गया। इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड अचीव सेल्फ रिलायंस बाय इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मतलब जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जो भी सामानों का दूसरे देशों के साथ एक्सचेंज करते हैं हम, उस पर भी विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि जब हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तभी जो है फॉरेन करेंसी या जो विदेशी मुद्रा है वह भारत में आएगी और उससे जो भारत की अर्थव्यवस्था है और जो हम बोलते हैं कि जो मुद्रा कोष है उसका विकास होगा। चलिए एक्सपैंड बेसिक इंडस्ट्रीज लाइक स्टील। हमने देखा था कि बेसिक इंडस्ट्रीज जो पिछला वीडियो था उसमें भी उद्देश्य था कि बेसिक इंडस्ट्रीज को और हैवी इंडस्ट्रीज को विकसित करना था। तो बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज में आएगा जैसे कि स्टील इंडस्ट्री हो गया, केमिकल इंडस्ट्री हो गया, फ्यूल एंड पावर इंडस्ट्रीज, इन सब का विकास के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया। एस्टेब्लिश मशीन बिल्डिंग कैपेसिटीज फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि सेल्फ सस्टेनिंग बनना है हमें, तो जितने भी मतलब आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें महत्वपूर्ण था, जरूरी था कि हम जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है उस पर भी ध्यान दें। चलिए बात करें हम आगे, मैनी सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स प्लांट बिल्ट, पंजाब बिगेन प्रोड्यूसिंग एंड अबाउंडेंस ऑफ वीट, मतलब उस समय तक पंजाब जो था अबाउंडेंस मात्रा में, बहुत सारी मात्रा में वीट प्रोडक्शन पर ध्यान देने लगा और बहुत सारी सीमेंट फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज धीरे धीरे भारत में विकसित होने लगी। एस्टेब्लिश इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड रिडक्शन इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इस समय तक जो इक्वालिटी अपॉर्चुनिटीज़ की इक्वालिटी है उस पर ध्यान दिया जाने लगा, मतलब कहा गया कि लोगों को निष्पक्ष रूप से उनको प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका मिले और किसी भी प्रकार से जो लोग इनकम या वेल्थ में मतलब आय या समृद्धि में पीछे रह गए हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए। इंक्रीज नेशनल इनकम बाय 30%, मतलब अभी हमने देखा था कि लगभग जो दर थी वो हमने प्रति वर्ष की देखी थी, अब हम अगर कलेक्टिव दर देखें, कलेक्टिव रेट देखें, तो लगभग 30% तक, मतलब 1965 से 1966 के दौरान जो है 1965 से मुख्य रूप से जो ये है 1966 से 1961, ये टोटल जो पूरा 5 साल का स्पैम था इसमें टोटल जो दर है यह 30% तक लाने का प्रयास किया गया। एंड पर कैपिटल इनकम वाय अबाउट 17% ओवर द पीरियड, और प्रति व्यक्ति आय को लगभग 17% लाने का प्रयास किया गया कि 5 वर्षों में हम राष्ट्रीय आय को लगभग 30% और प्रति व्यक्ति आय को 17% बढ़ा देंगे। ड्यू टू मिजरेबल फेलियर ऑफ द थर्ड प्लान, अब हुआ क्या कि तीसरा प्लान काफ़ी बुरी कंडीशंस के साथ फेल हुआ, तो गवर्नमेंट को इसके आगे प्लान हॉलीडेज लाने पड़े, और प्लान हॉलीडेज मतलब 3 साल का जो था प्लान अवकाश रहा, योजना अवकाश रहा, जो कि 1966-67, 67-68 और 68-69 में चलता रहा। इसके अतिरिक्त प्लान वॉज फेलियर इन रीचिंग द टारगेट रीजन्स फॉर, जो मुख्य वजह थी प्लान के फेल होने की वह था चाइनीज़ एग्रेशन। उस समय हमारा चाइना से वॉर हो गया था, और वह जो वॉर हुआ था उसकी अगर हम कहानी पर चर्चा करें तो कहानी यह है कि उस समय तिब्बत के ऊपर चाइना आक्रमण करना चाहता था, तिब्बत के ऊपर चाइना अपना विस्तार करना चाहता था, और दलाई लामा जिनको हमने शरण दी, तो उस वजह से चाइना का भारत के साथ एग्रेशन मतलब जो गुस्सा था वो बढ़ गया। साथ ही भारत का चाइना के साथ एक बॉर्डर डिस्प्यूट भी चल रहा था जो कि हम अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्रों में देखते हैं।
चाइना का मानना है कि अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है वह चाइना के अंतर्गत आता है। तो दलाई लामा को शरण देने की वजह से और इन सब वजहों से, और उस समय दलाई लामा को हमने अरुणाचल प्रदेश में ही छुपा दिया था, ये कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, जिस वजह से चाइना ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और जो अक्साई चीन वाला इलाका है जो वर्तमान में भारत का हिस्सा चाइना के अंतर्गत कैप्चर है, तो वो चाइना ने कैप्चर कर लिया और हम उसको छोड़ा भी नहीं पाए। हम यूएन में भी उसकी अपील नहीं कर पाए क्योंकि उस समय हमारे ऊपर पब्लिक लॉ 480 पीएल 480 के तहत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से फूड ग्रेन्स आते थे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जिस स्थिति में जो भी देश था उस स्थिति में रहने के आदेश दिए कि आप या तो वॉर कर लीजिए या फिर खा लीजिए। तो हमें सिर्फ खाने की तो मतलब ये कि हम भूखे तो नहीं मर सकते थे, तो उस समय हमें वहीं पे उस स्थिति में वॉर को छोड़ना पड़ा। उसके बाद इंडो पाक वॉर हुआ 1965 का जो इंडो पाक वार है वही पाकिस्तान की पुरानी हरकतें कि भारत में इन्फिल्ट्रेशन करना। तो भारत ने पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेशन मतलब पाकिस्तान की घुसपैठ को देखते हुए जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है वहाँ पे एक वॉर की स्थिति पैदा हो गई जो लगभग 70 दिन तक चली और ड्रॉट एक बार फिर सूखा पड़ गया। 1965 से 1966 के दौरान भारत को एक बृहद सूखे की स्थिति से गुजरना पड़ा। इन सब वजहों से जो तीसरा पंचवर्षीय योजना थी वह विफल रही। इसके बाद दिस प्लान वॉज बेस्ड ऑन जॉन सैंडी एंड एस चक्रवर्ती मॉडल। मतलब यहाँ पर भी हम दो महत्वपूर्ण नाम लें तो एक है जॉन सैंडी का, दूसरा है एस चक्रवर्ती का। पंचायत इलेक्शंस वर स्टार्टेड एंड द स्टेट वर गिवन मोर डेवलपमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हुआ ये कि इस समय तक पंचायत इलेक्शंस की बात रखी गई और पंचायत इलेक्शन स्टार्ट भी हो गए, मतलब पंचायती राज्य से संबंधित जो भी चुनाव थे वह होने लगे और जो स्टेट थे जो राज्य थे उनके ऊपर केंद्र से हटके कुछ और महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थे वो आने लगी। द अचीव्ड सेल्फ रिलायंस मतलब जो हमें आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ रहे थे वह 2.4% तक ही हम अचीव कर पाए और टारगेट रखा गया था 5.6%, तो लगभग 50% से भी कम का टारगेट हम अचीव कर पाए, इसलिए इस मॉडल को मानते हैं कि ये फेल हो गया था। जो तीसरा पंचवर्षीय योजना है ये विफल रही। तो ये था पूरा डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, हमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि आप किस प्रकार के लेक्चर्स या वीडियोस देखना पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच। देखते रहिए नॉलेज ब्रुक और बने रहिए हमारे साथ।